शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 19 केंद्रों पर 3,409 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,080 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,329 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल CMO नीरज कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को 3,000 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 3,409 लोगों का टीका लगाया गया। एडिशनल CMO डॉ. नीरज पांडे ने जनता से अपील किया है कि वैक्सीनेशन बूथ पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं तथा कोविड-19 का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉ. नीरज कुमार पांडे ने कहा, आज शनिवार है, हमारा नियमित प्रतिरक्षण का दिन होता है, तो हर जगह हमारा कोविड टीकाकरण नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए हम 19 जगहों पर कोविड टीकाकरण कार्य करा रहे हैं। सर का आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? आज का लक्ष्य हम लोगों ने 3,000 निर्धारित किया है। जनता से क्या अपील करना है? जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो बूथ पर अनावश्यक भीड़ ना लगावें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाकर आवें, क्योंकि वैक्सीनेशन के अलावा यह बचाव का एक कारगर उपाय है और इसी से हमारी सुरक्षा हो सकती है।